अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हसनैन अली है और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्यों बना, किसने बनाया, कब बनाया। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहना, कहीं जाना मत। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना ना भूलना। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में। आज जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा। वैक्यूम कुबी की पहली नस्ल से लेकर मसनूही जहानत की पाँचवीं नस्ल तक कंप्यूटर की सलाहतों और साइज़ में मुंतकली तौर पर तब्दीलियाँ और बेहतरी आ रही है। इसी वजह से अब हमें ऐसा कंप्यूटर मिल गया है जिसको हम छोटी जगह पे रख के भी अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। ये छोटी जगह पे आराम से रखा जा सकता है और काम करने में बहुत आसानी पैदा होती है। तो बात ये पैदा होती है कि कंप्यूटर ईजाद किसने किया। कंप्यूटर ईजाद 2000 साल से कबल हुई थी, जो आइबिकस की शक्ल में हमारे पास आई थी। रियाजी के सवालात लकड़ी के लिए इसे अबेकस के ज़रिए ही हल होते थे। पहले डिजिटल कंप्यूटर की ईजाद बेली पास्कल ने की थी। इन्होंने इसकी ईजाद 1642 में की थी, लेकिन ये कंप्यूटर सिर्फ आपस में जुड़ने का काम कर सकता था। 1822 में कंप्यूटर के ईजाद की वजह एक अंग्रेज़ी के रियाजी साइंसदान ने और हाँ के 40वें से मंजूर की गई। वो सबसे पहले प्रोग्राम में काबिल कंप्यूटर डिज़ाइन करने वाले थे और इन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद किया। जैसे मैकेनिकल कंप्यूटर ईजाद किया, इसका नाम डिफरेंशियल इंजन रखा गया। ये कंप्यूटर बनाने की इनकी ये ईजाद जदीद कंप्यूटर बनाने में बहुत मददगार साबित हुई। इनके ज़रिए जदीद नए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क आने लगा। इस वजह से 40 बेच को कंप्यूटर का जंक बाप कहा जाता है। आज के दौर में जदीद तरक्की हो रही है और इस तरक्की में कंप्यूटर भी शामिल है। कंप्यूटर की भी तरक्की मुसलसल की जा रही है। पहले के दौर में विंडो XP चलती थी, मगर आज विंडो 10 भी आ गई है। पहले रैम रोम वगैरह बहुत कम होती थी, आज के दौर में जैसे ही तरक्की की जा रही है वैसे ही रैम रोम में भी तरक्की हो रही है। आज के दौर में ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली बहुत सी कंपनीज आ चुकी हैं। वो कंपनीज ग्राफिक्स कार्ड बनाकर सेल करती है। कंप्यूटर जदीद तरक्की पे तरक्की कर रहा है। आज के दौर में तो इसका हर जगह पर होना ज़रूरी है और हर जगह पे ये मुंतकिल हो रहा है। ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, सेल मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, आजकल हर एक चीज़ कंप्यूटर के ज़रिए ही की जा रही है। यहाँ तक के लोगों ने अपने घरों में भी कंप्यूटर रखा है। हर जगह कंप्यूटर आ रहा है, जिस वजह से नई टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।